बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चना चाट मसाला। चना चटपटी एक ऐसी रेसिपी है जिसे इफ्तारी में हर घर में बनाई जाती है, लेकिन इस बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, रोज़ेदार पूरा बर्तन साफ़ कर जाएंगे। तो चलिए चटपटी चना चाट को मैं किस तरह से बनाती हूँ देख लेते हैं। चने की चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप चने को 7 से 8 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दी थी। अब यहाँ पर 7 से 8 घंटे हो चुके, चने अच्छे से भीग कर डबल साइज़ में फूल चुके, तो ये चने को हमें बॉईल कर लेना है। आप इफ्तारी के लिए बना रहे हो तो सहरी के बाद भी भिगो देंगे तो ये इफ्तार तक ये अच्छी तरह से भीग कर फूल जाएंगे। अब नमक डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच और 2 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर हमें मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटियां लगा लेनी है ताकि चने अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। यहाँ पर कुकर की 5 सीटियां हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था और कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। चनों को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से चने हमारे गल चुके हैं। तो अब इसे मैं चन्नी में डालकर इसका सारा पानी निकाल कर अलग कर लूँगी और गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं चाट बनाने के लिए। कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे मैंने, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, उसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट ली हूँ, इसे हमें अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच चलाते हुए हम प्याज को सुनहरी होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, प्याज में हल्का सा सुनहरी कलर आ गया है। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे इस टाइम पर 5 से 6 कड़ी पत्ता। तो चाट में आपने कड़ी पत्ता नहीं डाला तो एक बार डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही में देखिए, यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई अदरक है, 2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च है, ये भी डाल देते हैं। मिक्स कर लेते इसे। अब डालेंगे इसमें हम इमली का पल्प। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने इमली लेकर इसे 1/2 घंटा पानी में भिगा कर रखी थी। 1/2 घंटे बाद इमली अच्छे से नरम हो गई तो हाथों की मदद से मैंने इसका जूस निकाल ली हूँ और चन्नी से छान ली हूँ, तो ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाट में इमली का जूस डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मिला देते हैं। साथ ही में सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है, 1 चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, तो इसकी जगह पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर ली हूँ, 1/2 चम्मच है चाट मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मिक्स कर देते हैं हम। ये चाट खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसी में हम चने को भी डाल देते हैं जो हमने उबाल कर रखे। इसका मैंने पानी छान ली हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम, ताकि हमने जो इमली का जूस डाला है और जो भी अभी सूखे मसाले डाले ना, उसका पूरा पूरा फ्लेवर चने के अंदर अच्छे से आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी जो हमने चने उबाल कर रखे उसका। तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे। तो अभी यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाल दी हूँ। मिक्स करके हम अच्छे से इसे भूनने देते हैं, जहाँ तक तेल ऊपर आ जाए ना वहाँ तक हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक देखिए मैंने चने को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून ली हूँ, तो तेल छूटे वहाँ तक हमें मसाले के साथ चने को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 उबला हुआ आलू, तो ये ऑप्शनल है, मेरे पास उबला हुआ आलू था तो छोटे टुकड़े करके मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही में 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, ये भी डाल देते। और 1 चम्मच है टमाटर केचप। तो चटपटा सा और खट्टा मीठा ये चाट का टेस्ट लगता है, तो 1 चम्मच टमाटर केचप डाल दे इसमें। सभी चीज़ों को मिक्स कर ले गया, और टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए ही हमें इसे चने के साथ पकाना है।
आलू भी अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से। चने उबालते टाइम पे भी हमने नमक डाला था और चाट मसाले में भी नमक होता है, लेकिन यहाँ पर आलू के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। चटपटी, खट्टी, मीठी और स्पाइसी, मज़ेदार सी ये चटपटी चाट हमारी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। अभी इसके ऊपर कुछ और चीज़ें डालेंगे हम, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इफ्तारी में इस तरह से स्पाइसी चाट और खट्टी मीठी टेस्ट वाली चाट को ज़रूर बनाइए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस चाट में प्याज को जब हमने पहले गोल्डन फ्राई करके लिया है ना, तो बिरस्ते के जैसा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हर बार हम चाट बनाते हैं तो प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी में प्याज को अच्छे से गोल्डन करके डालना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर एक मिनट हो चुका है तो ये चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अभी इसमें कुछ चीज़ें डालने की बाकी है। सबसे पहले मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ इसमें और गैस बंद कर देंगे हम। तो गैस बंद करने के बाद ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और प्याज भी डालना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी बारीक काट कर रखी हूँ, ये भी डाल देते हैं। तो इस तरह से बारीक कटी हुई प्याज ऊपर से भी डालते हैं तो इसका भी फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अभी इसे मिक्स कर देते हैं हम और गर्मा गर्म ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी स्पाइसी और चटपटी सी चाट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल नए तरीके से मैंने बनाई हूँ। इफ्तारी में दस्तरखान पर जब ये चाट होती है तो रोज़ेदार को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इस इफ्तारी पर आप रमज़ान महीने में ज़रूर ये चाट को बनाइए। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने बनाकर बताई हूँ। इसमें इमली का जो हमने पानी डाला है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए गर्मा गर्म इस चाट को हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।